इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। भागलपुर जिले में 500 के पार हुए कोरोना संक्रमित। भागलपुर शहरी क्षेत्र सहित जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 500 से ज्यादा हो गई है। सोमवार को जिले में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें 4 शहरी क्षेत्र के हैं, जिनमें मायागंज अस्पताल की 2 नर्सें भी शामिल है। इसके अलावा जगदीशपुर से 1, शाहकुंड में 2, कहलगांव में 2 और गोराडी में 2 संक्रमित मिले हैं। कहलगांव की आशा कार्यकर्ता भी संक्रमित पाई गई है, वह शादी में शामिल होने को आई थी। बक्सर से भागलपुर तक गंगा किनारे बनेगी 4-लेन सड़क। बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे 4-लेन सड़क बनेगी, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बक्सर तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस सड़क के बनने से भागलपुर से दिल्ली तक का सफर आरामदायक हो जाएगा। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने वर्चुअल बिहार संवाद के दौरान कही। वे सोमवार को पटना से भागलपुर विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कंटेनमेंट जोन के नियमों का नहीं हो रहा पालन, प्रशासन भी लापरवाह, लोग भी मानने को तैयार नहीं। नौगछिया शहर के कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद भी कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कंटेनमेंट जोन के नियमों के पालन करवाने में प्रशासन स्तर से लापरवाही बरती जा रही है। एक तो शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन का सख्ती से पालन नहीं कराए जाने से सोमवार को नौगछिया शहर में लोगों की भीड़ लगी रही। नौगछिया शहर में सामान्य दिनों की तरह सभी दुकानें खुली हुई थी, जगह जगह लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मालूम हो कि पिछले 6 दिन में नौगछिया में कुल 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद भी रोज की तरह सभी प्रकार की दुकानें, यहां तक कि मॉल भी खुल रहे हैं। नौगछिया बाजार में भीड़ का ऐसा आलम है कि रोजाना स्टेशन रोड और वैशाली चौक के पास दिन भर रहकर जाम लगता रहता है। लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो नौगछिया शहर में कोई भी कोरोना से नहीं बच सकता है। वहीं स्थिति यह है कि जिस गली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वहां पर सील को लेकर बैरियर तो लगाया गया है, लेकिन सभी दुकानें खुल रही है। संक्रमण के बढ़ते दौर में इस तरह की लापरवाही खतरे से खाली नहीं है। इधर नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने नौगछिया शहर में कोरोना संक्रमण मरीज के बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर के कंटेनमेंट जोन के नियमों का पालन नहीं होने से उन्होंने नौगछिया SP निधि रानी व SDPO प्रवीण भारती को पत्र देकर कंटेनमेंट जोन के नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने का अनुरोध किया है। नौगछिया SP निधि रानी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, जो लोग कंटेनमेंट जोन का पालन नहीं करेंगे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित स्थानों पर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। दरोगा दिनेश ने संभाली नौगछिया थाने की कमान। नौगछिया थाने से 15 पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नौगछिया के पुलिस लाइन में नई थाने का संचालन शुरू हो गया है। नौगछिया SP निधि रानी के निर्देश पर सोमवार को थाने में सभी पदाधिकारी ने अपना योगदान सुनिश्चित कर लिया है। दरोगा दिनेश कुमार ने अले सुबह ही नौगछिया थाने की कमान को संभाल ली है। दिनेश ने कहा कि उन्हें यह दायित्व तो ऐसे समय में मिला है जब विधि व्यवस्था के साथ साथ कोरोना भी एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में वे अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे। नवगछिया में जदयू की बैठक आयोजित। इस्माइलपुर प्रखंड परबत्ता पंचायत जाह्नवी बिहार कॉलोनी में लगभग 12 बजे दिन में चंद्रिका प्रसाद मंडल सचिदानंद दास की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। बैठक में जदयू नेता गुलशन कुमार, परबत्ता पंचायत अध्यक्ष प्रभात कुमार, प्रखंड महादलित अध्यक्ष अजय पासवान, अति पिछड़ा के प्रखंड अध्यक्ष दिनेश मंडल सहित कई अन्य मौजूद थे। इस अवसर पर घर घर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश पहुंचाने का निर्णय लिया गया। जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की हुई बैठक। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर अख्तर के निर्देशानुसार गोपालपुर विधानसभा के नौगछिया प्रखंड के जमुनिया गांव में मदरसा में प्रखंड स्तरीय बैठक प्रखंड अध्यक्ष गुलाम नबी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी जनाब महमूद आलम साहब के साथ नौगछिया जिला अध्यक्ष शाहिद रजा, जिला उपाध्यक्ष आरिफ अनवर सहित कई अन्य उपस्थित थे। भाजपा नेत्री ने हरियो पंचायत में चल रहे कटाव निरोधी कार्य का लिया जायजा। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सह खरीक दक्षिण के जिला पार्षद कुमकुम चौधरी ने बीहपुर विधानसभा के हरियो पंचायत के गोविंदपुर मुसारी और कहारपुर में चल रहे कटाव का जायजा लिया। जायजा लेकर कुमकुम ने पत्रकारों को बताया कि दोनों गांव की स्थिति काफी भयावह है। कोसी नदी अपने प्रलयकारी रूप में आ गई है। यहां कोसी
घंटे 10 घंटे भीषण कटाव कर रही है। अगर जल्द से जल्द कटाव को रोका नहीं गया तो दोनों गांव में एक बड़ी आबादी बेघर हो जाएगी। गौरव बने भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति के विशिष्ट सदस्य। नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पश्चिम पंचायत के मौजवा निवासी इंजीनियर कुमार गौरव को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी समिति विशिष्ट सदस्य के लिए भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह ने मनोनीत किया है। इसके साथ ही दुर्गेश सिंह ने संदीप ठाकुर, राहुल सिंह, सुमित सिंह, राजन मिश्रा, मनीष सिंह, अंकेश कुमार, आशीष रंजन, मंटू पांडे, गौतम कुमार, अभिराम सिंह को भी मनोनीत किया है। नारायणपुर में सेविका को दिया गया प्रशिक्षण। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय के शिल्प प्रशिक्षण भवन नारायणपुर में सोमवार को पुरानी एवं नई सेविका को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसे मोबाइल पर ऑनलाइन काम करते समय ICDS के मोबाइल ऐप कॉम केयर और इला सॉफ्टवेयर में कोई परेशानी हो रही है। यह प्रशिक्षण प्रखंड समन्वयक अमरजीत कुमार, LS रूबी कुमारी ने दिया। धरारा की परंपरा को टीवी के स्क्रीन पर देख ग्रामीण हुए गदगद। बेटी के जन्म लेने पर 10 फलदार वृक्ष लगाने की परंपरा को टीवी स्क्रीन पर देख धरारा वासी काफी गदगद हुए। बताते चलें कि धरारा की इस अनूठी परंपरा के कायल हो कटिहार के टीवी सीरियल निर्माता राकेश सिंह ने 100 भाइयों की लाडली नाम से सीरियल बनाया, जिसकी शूटिंग मुंबई व धरारा में हुआ। इस सीरियल में धरारा के फिल्म कलाकार पंकज मेहता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सीरियल हरेक सोमवार को दूरदर्शन के किसान चैनल पर दिखाया जा रहा है। गोलीबारी के विरोध में बंद रहा खैरपुर कदवा बाजार। ढोलबजा के कदवा के खैरपुर बाजार में रविवार को अज्ञात अपराधियों द्वारा अशोक जायसवाल के दुकान के आगे की गई गोलीबारी की घटना के विरोध में वहां के बाजार वासियों ने सोमवार को 2 बजे तक बाजार को बंद रखा। सोमवार को घटना की जानकारी मिलते ही युवा जदयू जिला अध्यक्ष सह संपूर्ण वैश्य महासभा के प्रमंडलीय प्रभारी सोनू जायसवाल ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी मुख्यमंत्री के दूरभाष पर देते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर दोषी व्यक्ति पकड़े नहीं गए तो यहां के बाजार वासी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को बाध्य होंगे। बाइक और ट्रक की टक्कर में 2 होमगार्ड जवान घायल। विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के जाह्नवी चौक पर रविवार की देर रात परबत्ता थाना क्षेत्र के पास मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में मोटरसाइकिल पुल पर से जाम हटाकर आ रहे 2 होमगार्ड जवान बाइक सवार घायल हो गए। घायल जवान में मोहम्मद हारून रशीद और कपिल देव पंडित घायल हुए हैं, जिसे परबत्ता थाना पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल भेज दिया। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि ट्रक सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइक चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने बाइक चोरी के अभियुक्त नौगछिया प्रोफेसर कॉलोनी के दिलखुश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि बाइक चोर गिरोह के 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेज दिया गया है। आरोपित दिलखुश यादव फरार चल रहा था, जिससे गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की देर रात को गिरफ्तार किया गया। महिला अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार। नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के अपहृत महिला के साथ यौन शोषण करने के मामले में फरार खरगड़िया परबत्ता थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया निवासी मोहम्मद ढालो उर्फ शरीफ को खरीक पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने दी। हाईवा के चपेट में आने से युवक की गई जान। नौगछिया के राष्ट्रीय राजमार्ग पर देरा 0 माइल पेट्रोल पंप के समीप हाईवा के चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की जान चली गई। युवक के पास से मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान नौगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा निवासी सौरभ कुमार के रूप में की गई है। ग्रामीणों की सूचना पर देर रात पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। नवगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की खबरें हेतु सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और साथ ही सदस्य बने हमारे GS न्यूज परिवार के। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओई मार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाय, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294855586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।
भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल SCBSE अफिलियेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177 9935855177। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध। नौगछिया अनुमंडल तथा भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। दीक्षा इंटरनेशनल।